इट्स मी वेलकम बैक टू एसकमिक्स दोस्तों इस टाइप का एक थ्री डी लेरिकल स्टेटस वीडियो आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो आप लोगों को इसे बनाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना है एंड मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो इस तरह का एक थ्री डी लिरिकल स्टेटस वीडियो आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों जिस सॉन्ग पे आप लोग इस तरह का लिरिकल स्टेटस बनाना चाहते हो फर्स्ट उस सॉन्ग का जो लिरिक्स है आप लोगों को लिख लेना है एंड लीप फॉइंट के साथ लिखना है तो आप लोग लिखने के लिए दो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो एक पिग्जल ऐप या तो काइन तो यहाँ पर मैं आसान होगा काइन से तो आप लोग काइन मास्टर से ही दिखाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ ओपन करते ही देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस है तो जो नया काइन मास्टर है आप लोग अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो तो फर्स्ट क्रिएट न्यू पे टच करें यहां पर देखिए आप लोग को वन इज टू तो वन इस रेशियो को सिलेक्ट करना है ठीक है आप लोग को इस रेशियो को सिलेक्ट करना है उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें उसके बाद इमेज पे टच करें एंड एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करें ठीक है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जिस सॉन्ग का लिरिक्स बनाना चाहते हो उस सॉन्ग का जो फर्स्ट लाइन है तो वो आप लोगों को लिख लेना है तो यहाँ पर देखिए मैं जो लिख लिया हूँ देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट था ये जो ठीक है तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने इसको लिखा था तो इसे कैसे लिखना है आप लोगों को देखिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ तो फर्स्ट लिरिक है मेरा ये नाराज़गी तो फर्स्ट आप लोग क्या कीजिएगा तो ये आप लोग इस तरह से ये को लिख लीजिएगा एंड इस तरह से जूम कर लीजिएगा फॉन्ट पे टच करने के बाद इसको आप लोग जिस भी फॉन्ट पे आप लोग अच्छा लगे उस फॉन्ट को दे दीजिएगा उसके बाद दोस्तों उस नाराजी को आप लोग लिख लीजिएगा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो इस तरह से आप लोग लिरिक्स को लिख लीजिएगा ठीक से ठीक है एंड यहाँ पर आप लोग, लोग फॉन्ट पर टच करें टच करने के बाद इस फॉन्ट को सिलेक्ट करें एंड नीचे इस तरह से आप लोग ऐड करें ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग कोई भी पी ऐड कर सकते हो जैसे यहाँ पर मैं एक फेस का पी ऐड कर सकता हूँ जैसे इस फेस को ऐड कर लिया ठीक है तो इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ इसे आप लोग भी ऐड कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिप फॉन्ट ऐड करना है लिप फॉन्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को मैं लिप फोन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक वीडियो का उस वीडियो से आप लोग टेन टाइप्स का लिस्ट लिप फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा एंड उस वीडियो को देख के आप लोग टेन टाइप का लिप फॉन्ट डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं लिप फॉन्ट को ढूंढ लेता हूँ ठीक है देखिए ये जो टेन लिप फॉन्ट है तो इसको आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह से इसे यूज़ कर लिया आऊँ एंड यहाँ पर इसे इस तरह से सेट कर से लिया हूँ ठीक है उसके बाद थ्री डॉट रोट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर सकते हो तो आप लोग डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा इस तरह से एंड इस तरह से आप लोग इसे ऐड कर लीजिए ठीक है तो देखिए ये फर्स्ट लाइन हो गया तो आप लोग क्या करना है यह, यहाँ पर टच करने के बाद आप लोग कैप्चर एंड सेव पे टच करना है तो देखिए फर्स्ट लिरिक्स आप लोगों का हो गया ठीक है उसके बाद दोस्तों जो भी लिरिक्स है आप लोग को इस तरह से लिख लेना है ठीक है इस तरह से लिखने के बाद आप लोग को सिर्फ कैप्चर पर टच करने के बाद कैप्चर एंड सेव कर लेना है इस तरह से तो जितना भी आप लोगों को लिरिकल होगा तो सारा आप लोग सॉन्ग को इस तरह से लिख लीजिएगा उसके बाद दोस्तों काइन एप्लीकेशन से आप लोग बाहर आइए बाहर आने के बाद आप लोग कैप कट एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पे टच करना है टच करने के बाद देखिए दोस्तों आप लोगों को फोटोज़ पर जाना है एंड आप लोग देखिए मैं इसको ही फर्स्ट ले लेता हूँ एंड उसके बाद ये मैंने जो क्लिक किया था तो सारा मैंने इस तरह से ऐड कर लिया हूँ देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया हूँ इस तरह से ठीक है उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है यहाँ पर देखिए आप लोग को फॉर्मेट मिल जाएगा फॉर्मेट पर टच करना है एंड आप लोग देखिए यहाँ पर बहुत सारे रेसि मिल जाते हैं तो जिस रेसिपी पर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस रेसिपी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं नाइन इंस टू सिक्सटीन पर बनाना चाहता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो गाइज़ उसके बाद आप लोगों को ऐड ऑडियो पे टच करने के बाद ऑडियो आप लोग गैलरी से भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर देखिए साउंड पे क्लिक करने के बाद आप लोग गैलरी से ऐड कर सकते हो या तो कोई से भी वीडियो का अगर आप लोग एक्सट्रैक्टेड करना चाहते हो कोई से भी वीडियो से म्यूज़िक तो मैं इस वीडियो से म्यूजिक एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो, तो एक, इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ एंड इसको आप लोग फास्ट में इस तरह से ले आइए ठीक है थीके? उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिरिक्स को सुनिए देखिए तो यहाँ तक है तो आप लोग इस तरह से यहाँ तक कर लीजिएगा ठीक है कागज ये कागजी इतना तक है तो उसके बाद जो भी है इस तरह से आप लोग छोटा कर लीजिएगा उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर टच करें फर्स्ट पिक्चर पे टच करने के बाद देखिए आप लोग क्या करना है आप लोग एनिमेशन पे टच करना है टच करने के बाद कॉम्बो पे टच करना है एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट में थ्री करके बहुत सारा मिल जाएगा इसको फर्स्ट में इस तरह से देखिए फर्स्ट हो जाएगा सेकंड पे टच करें सेकंड को दीजिए इस तरह से उसके बाद थर्ड में थर्ड उसके बाद देखिए इसको दीजिएगा तो इस तरह से जो भी है आप लोग ऐड कर लीजिएगा ठीक है इस तरह से आप लोग मैं ऐड करके दिखाता हूँ देखिए मैंने मैं ऐड मैं कर लिया पूरा सॉन्ग मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग करके दिखाता हूँ आप लोग पूरा कर लीजिएगा तो इसको छोटा करना है मेरे सोनिया उसके बाद इसके बाद दोस्तों इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा लीजिएगा से से आप लोग छोटा कर देखिए रेडी हो गया है इस तरह से कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग क्या करें मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हुआ है तो देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बनकर रेडी हो गए आप लोग उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर टच करें टच करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोर्ट पर टच करना होगा तो एक्सपोर्ट पर टच करते ये पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों एक थ्री डी लिरिकल स्टेटस वीडियो बनाया जाता है एंड दोस्तों आप लोगों को लिप फॉन्ट के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा तो उसे आप लोग टेन टाइप का लिप फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड दोस्तों आप लोग जो स्टेटस वीडियो है लिप फॉन्ट वाला स्टेटस वीडियो कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर भी एक डिटेल्स वीडियो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो इससे आप लोगों को और भी बेटर नॉलेज मिल जाएगा तो दोस्तों आज का वीडियो ये तक था वीडियो अगर सच में पसंद आए तो लाइक करें एंड आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो चलिए दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में